आप किसी आयत का तर्जमा पढ़ेंगे, बच्ची वो आयत पढ़ेगी, आप आयत पढ़ेंगे, बच्ची तर्जमा पढ़ेगी, आप यकदम बच्ची को कहें कि उससे पहले वाली या उससे पहले या उससे दो आयतें पहले या चार आयतें पहले, तो इंशाल्लाह वो भी बता देगी। जी हजरत शुरू फरमाएं। जी माइक इधर, माइक खोले। जी بسم الله الرحمن الرحيم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये तलाक दो पड़ते कि फिर बलाए कि चल रोक लेते हैं, रोक देना है या ना कोई के साथ छोड़ देना है, और तो मेरा वाना है कि जो कुछ तुमने औरतों को दिया इसमें से कुछ वापस लो, मगर जब दोनों का अंदेशा हो कि अल्लाह के हद काम ना करेंगे, फिर अगर तुम्हें खौफ होगा वो दोनों ठीक ही नहीं तो पर ना रहेंगे, तेन पर कुछ गुनाह नहीं क्या, तेन पर कुछ गुनाह नहीं इसमें से बदला देकर और छुट्टी ले, और अल्लाह की हद इनसे आगे ना बढ़े और जो अल्लाह की हद से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं तो आओ अपनी खेती में जिस तरह चाहो अपने भले काम पहले करो और अल्लाह से डरते रहो और अरे महबूब बशारत है ईमान वालों को। सुभान अल्लाह। फटाफट सवाल करें, बच्ची से सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जला फी यौमैन फला इस्मा अलैह। और याद करो लगेगी नए दिनों में तो जल्दी करके दो दिन में चला जाए, इसमें कुछ गुनाह नहीं और जो रह जाए और इसमें कुछ गुनाह नहीं परहेजगार के लिए, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें इसी की तरफ फिरना है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। जी इस आयत का तर्जमा बेटा पहला लफ्ज आप तर्जमे का बता दें। जी फिर अगर खौफ हो। जी فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم। خوف ہو تو پیارے سوال جیسے بن پڑے پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے। जी हजरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी आयत का तर्जमा पढ़े आप। फलम्मा अहस्सा ईसा मिन्हुम फिर जब ईसा ने उनसे कुफर पाया बोला कौन मेरे मददगार होते हैं तो अल्लाह की तरफ हवारियों ने कहा कि हम दिन खुदा के मददगार हैं और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل جي فانقلبوا بنعمة الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله جي فانقلبوا بنعمة من الله جي جي پہلا لفظ آپ بتا دیں कितने मिनट के बाद आप तर्जमे का पहला लफ्ज बता दें। आपने तो कहा कि सिर्फ आयत पढ़ो तर्जमे करें। चलें आप आज बच्ची को बुखार है चलें जैसे कोई बुराना पहुंचे लगे किसी को चले सही है।
ये रसूल है कि हमने इनमें से एक को दूसरे पर अफजल किया, इनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया। सुभानअल्लाह, तीसरा पारा, सुभानअल्लाह, मैं हाफिज नहीं मगर तीसरे पारे का तर्जुमा करके मैंने बच्ची को बताया, ये अल्लाह की आता है, ये अल्लाह का करम है, उसके रसूल अलैहिस्सलाम की गुलामी का सदका है। जी जी, आप देखते जाएं। इब्राहिम के पेरेंट्स और ये नबी ईमान वाले का, इससे पहले वाली आयत पढ़ें जनाब। قل صدق الله وتبع ملة إبراهيم حنيفا इससे पहले वाली आयत पढ़ लें बेटे। ومن ترى على الله الكذب عد ذلك فأولئك هم الظالمون سبحان الله इससे पहले वाली आयत पढ़ें बेटे। كل طعام كان حلا لبني إسرائيل تلك الرسل فضلنا इससे पहले वाली आयत पढ़ें बेटे। تلك آيات الله نتلوها سبحان الله इससे पहले वाली का तर्जमा करें बेटे। इससे पहले वाली दो आयतें छोड़ के तीसरी का तर्जमा करें बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलक अहले सुन्नत व जमात। बेटे पढ़ें। बात यह है कि बच्ची को कुरान कंप्यूटर का खिताब मिला है। कंप्यूटर पीछे रह गए जनाब, बच्ची इस तरह पढ़ रही जैसे आज कुरान करीम का पिछले दिनों मौजदा है। सुभान अल्लाह, पिछले दिनों जुरत अखबार में भी शायद आया था, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैदराबाद के इससे सवाल कर रहे थे और ये बच्ची जवाब दे रही थी, तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने ये कहा कि अब इस बच्ची को कंप्यूटर कहना भी तौहीन है क्योंकि कंप्यूटर से कहीं आगे जा चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मोहतरम सामईने किराम, इन हुफाज से गुजारिश है कि अब आप फिर सवाल करें, फिर हम दूसरी तरफ आते हैं। सुभान जी, अगर कोई सवाल करें आप। जी करें भाई, प्रोग्राम बंद कर दें, या आप चाहते हैं कि प्रोग्राम बंद हो जाए तो फिर आप शोर कर दें, हम चले जाते हैं, वरना अदब का तकाजा यह नहीं है। बहुत मेहरबानी, आप शरीफ रखिए। जी हजरत, بسم الله الرحمن الرحيم رب आप सफा नंबर का भी सवाल कर सकते हैं, जो आयत आप पढ़ रहे हैं उसका सफा नंबर, आयत नंबर, उससे रिवर्स भी आप लेकर आ सकते हैं। हो सकता है हम घर से सिखा कर लाए हों, मगर आपका जो जी चाहता है आप उसको रिवर्स भी ले जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी ला सकते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه। ऐ रब हमारे, बेशक तू सब लोगों को जमा करने वाला है जिस दिन में कोई शुबा नहीं, बेशक अल्लाह का वादा नहीं बदलता। सफा नंबर कौन, सफा नंबर कौन सा? 66। ठीक है जी। बेटा ये भी बता दे, ये भी बता दें कि सफा नंबर 66 है, ये जो हजरत साहब ने सवाल किया है उसकी लाइन कौन सी है? लाइन नंबर 7। जी हजरत, ठीक है, लाइन नंबर 7। ये लाइन के कौन से हजरत, आप तवज्जो फरमाएं, ये लाइन के कौन से लफ्ज से ये आयत शुरू हो रही है हजरत, आप लफ्ज भी गिने। दूसरे लफ्ज से। जी दूसरे लफ्ज से, ठीक है हजरत। जी हजरत सवाल फरमाएं। بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض उन फकीरों के लिए जराए खुदा में रोके गए जमीन में चल नहीं सकते, ना दान ना तमंगर समझे बचने के सबब, कहने के सर से पहचान नहीं है कि लोग इनसे पहले वाली आयत पढ़े। ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء इधर सुने, ये भाई अभी सवाल कर रहे थे कि पैसे दे सकते हैं। भाई आप नजराना खोल कर दें, ये तो मदरसे में लगेगा, ये कोई वो पूछने की बात नहीं है। जी लाइन नंबर 7। जी चले, एक भाई इधर सुने, इधर सुने हजरत, आप कितने हाफिज हैं? भाई को जरा जल्दी है, आप कितने हाफिज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। हजरत आप भी कुरान पाक ले लें। नहीं चलें, ठीक है। और जी चलें, कारी साहब आप भी तशरीफ ले आए। हजरत
ये पहले पारे से शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल ख्याल से देखें। हजरत आप भी ख्याल से, आप सब जी बेटा इधर सुने। आप दोनों हाफिज पहले पहला पारा ले लें, आप पहले आधे से सवाल करें, आप दूसरे आधे से सवाल करें। भाई खामोशी से, जो चीज हम आपको दिखा रहे हैं, एक सेकंड नहीं साथी जा रहे, एक सेकंड बस जा रहे ना, साथी जा रहे थे। एक आखिरी सवाल करके मैं अपने एक मौका पर बयान करता हूँ। माशाल्लाह इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है, अल्लाह ताला इसको मजीद तरक्की अता फरमाए। मेरे दिल खुश हो गया इसके पढ़ने से, इतनी कुरान को याद किया है। लेकिन कुरान को याद करना इतना मुश्किल काम है, लेकिन कहते हैं हदीस में आता है कि जिस तरह ऊंट की रस्सी इंसान से चली जाए ना तो ऊंट भी भाग जाते हैं, फिर उसका पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अपनी दिल के गहराइयों से इस बच्ची को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने वाकई अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं किया, बल्कि सिर्फ इसने खालिस अल्लाह की रजा के लिए आज आप हजरात के सामने अपने मेहनत को जाहिर कर दिया। अल्लाह ताला इसको मजीद तरक्की दे, इसके उस्तादों को और साथ साथ इसके जितने जो मदारिस में पढ़ रहे अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाए। आखिर दुआ में मिनन नास में दखल मिन दून अल्लाह। जी फिर एक सब आगे चले, फिर किसी आयत के ऊपर उंगली रखें। जी इधर लेसल बिगान तो लो जो आगम के बलन मशरिक में है। हजरत आप ही कुरान पाक पकड़ लें। जी आपने कहाँ से सवाल किया था? हाँ जी ये अरे जालो कवामून है, आप अपना सवाल तलाश करें। जी हजरत भाई हम ऐलान कर चुके हैं कि तमाम मकातिब फिक्र के लोग जिसका जी चाहे वो यहां आकर सवाल करे। पहले लोग कहते थे कि भाई शाह साहब घर से सिखा कर लाते हैं बच्ची को भी, मैं इस आयत पर उंगली रखूंगा और तुम बोल देना ये अभी आपके इलाके के भाई, क्या नाम है आपका? सलीम भाई साहब, ये गवाह हैं, ये देख रहे हैं, ये आपके इलाके के हैं, ये उफाज मैंने पहली दफा देखे हैं, उंगली ये रख रहे हैं, बच्ची वहां से बता रही है, मैं अब उंगली रखना मैंने छोड़ दी। जी सलीम भाई भी उंगली रख रहे हैं। जी बेटा आपको याद है आपने कहां से सवाल किया था? वजू नहीं, अच्छा छोड़ दें सरकार की महफिल में। जी जी हजरत आपने यहां से सवाल किया था, लिल पुकारा है ना, चले आप किसी आयत के ऊपर उंगली रखें, चले एक सभा और आगे आ जाए। जी जी बेटा ये एक एक उंगली रखें यहां से पढ़े। जी ठीक है, चले एक सवा और आगे लेते हैं, एक सवा एक एक सवा। जी फिर किसी आयत के ऊपर उंगली रखें। जी कदा बियाली फिरौन। जी नहीं ध्यान से ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। फिर किसी आयत पर उंगली रखें अगले सवे पर, एक एक सवा एक एक सभा भाई मेरे। जी एक एक सभा आप गलती करते जाएं, उंगली आप रखते जाएं। जी कुल औ नबीकुम बखैर मिन दा, ठीक है बच्चा चले फिर उंगली रखे। जी अलम तरा इलल लजीना उदून नसीब मिन, ठीक है अब भाई सुभान अल्लाह तो कह दो यार, इतने कंजूस तो ना बनो। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती, कम से कम सुभान अल्लाह तो कहें। इधर सुने 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 सुने, आपके इलाके में आए बैठे हैं, पिछले दिनों हमें खबर मिली थी ये इसी इलाके में अताउल्लाह नियादी साहब भी आए थे और वो एक शेर पढ़ते थे लोग लाखों लुटा देते थे। हैरत की बात है कि हम कुरान के ऊपर सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते, ये कितनी अजीब सी बात है यार। जी हजरत और कौन रह गया है? अगर अभी आप इधर आ जाए, आप अपने अपने वही सवाल याद रखिएगा, आपने भूलिएगा। हजरत आपने कहां से सवाल किया था आपको याद है? वाला ताजी दन्ना हूं, यहां से आपने सवाल किया था। जी किसी आयत के ऊपर आप भी उंगली रख दें। जी ठीक है जी,
फिर किसी आयत के ऊपर उंगली रख दें जी, मतलब अन्नहुम आमनु वत्तकौ लमथूबतुन मिन इंदि जी, फिर किसी आयत के ऊपर उंगली रख दें जी, लम तअलम अन्न अल्लाह रहमुस समावाति वल, ठीक है आप उंगली वापस घुमाएं, अब आप उंगली वापस इसी इसी आयत के ऊपर जी, अलम तअलम अन्न अल्लाह, इससे पहले वाली आयत पढ़ें जहाँ से अभी सुने बेटा, जहाँ से इन्होंने शुरू किया था ना अभी, कहाँ से शुरू किया था हजरत, अलम तालम से, इससे आगे वाली आयत पढ़े, इससे दो आयतें आगे, अकीम सलात व आतु ज़कात व अरकम व आतु ज़का व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु जी जी, सुने इससे आगे वाली आयत का तर्जमा करें, अहले किताब की जन्नत में ना जाएगा, इससे आगे वाली आयत पढ़े, भला मन अस्लम वजहु लिल्लाह, इससे आगे वाली आयत का तर्जमा करें, और यहूदी बोले नसानी को नसानी, इससे आगे वाली आयत पढ़े, और मन अल्लाह मुमिन मन मना मसाजिद, इससे आगे वाली आयत का तर्जमा करें, जनाब गुजारे ये है कि सना खान मुस्तफ़ा नात पढ़ रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम की, मगर इस वक्त जो कुरान करीम की तिलावत हो रही है खुदा का फरमान है और खुदा की ज़ुबान है, और जिस तरह बच्ची ने हमें घुमा के रख दिया है, हमने कोशिश की इसको घुमाएं घुमाएं, कभी हदीस पाक कभी तर्जमा कभी तफसीर कभी कहाँ कभी कहाँ, मगर बच्ची ने हमें घुमा के रख दिया है, हम जी इसका माना भी बता दे, ईमान वाला सबर करो, सबर में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पे इस्लामी मुल्क की निगरानी करो और अल्लाह से डरते रहो, इसमें तर कहीं तुम कामयाब हो। अच्छा ये वफादे किराम से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी आयतें याद रखेंगे, ये सिर्फ अहले सुन्नत को अता हुई ये चीज जी। बेटा हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया किराम का वसीला देकर अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, लोग कहते हैं कि ये गलत है, कुरान से साबित करें वसीले के बारे में, क्या इससे पहले सरकार के आने से पहले भी कोई वसीला देते थे लोग जी? ये कुरान है, अपने घर में जाकर इसको पढ़ लेना, इसका माना भी बता दे। और जब इनके पास अल्लाह के आगे एक रसूल के और जब इनके पास एक किताब बताए जो तौरात की तस्दीक फरमाते हैं और इस नबी के वसीला से काफिरों पर फतह मांगते थे, तो जब तशरीफ लाए अल्लाह के यहाँ से एक रसूल इनकी किताबों की तस्दीक फरमाते जी। अच्छा वो आयत बताएं जिसके अंदर मिलाद पाक का जिक्र हो। لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم اللہ کریم نے بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی آیت پڑھ کر دکھائیں إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين جی بتائیں اس کا معنی اور جب یہود مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر 3000 فرشتے اتار کر بیٹا یہ بتائیں کہ لوگ ایک دوسرے سے قرض بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ غریب ایسے ہیں جو قرض واپس نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے تو کیا جو قرض لینے والا ہے اس کے گریبان سے پکڑے یا نہ پکڑے قرآن پاک کا کیا فیصلہ ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَزِلَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ جی اس کا معنی اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت آسانی تک اور اس پر قرض بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جانو اگر تم جانو یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے جی جی بیٹا بتائیں جنت تو بہت بڑی ہے جنت کے بارے میں سب ذکر کرتے ہیں ذرا بتائیے کہ جنت ہے کتنی بڑی इसका माना और दौड़ अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जिसके चौड़ान में से जमीन और आसमान आ जाए, परहेजगारों के लिए तैयार रखिए।
अच्छा बेटा, शायद हो सकता है दूसरे मकातबे फिक्र के लोग भी बैठे हुए हैं, वो कहें जी हमारा जिक्र नहीं आया। अच्छा चले उनका जिक्र भी कर देते हैं। ये बताएं कि चंद साल पहले पिंडी के अंदर एक उस्ताखे रसूल की शक्ल तब्दील हुई, 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में उसकी कोई निशानदेही की? कुरान की आयत पढ़कर सुनाएं, सुने। या अय्युहल लदीना उतुल किताब आमिनु बिमा नज़ला मुसद्दिकन लिमा मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहा फनगुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाब अस-सब्त وكان امر الله مفعولا। इसका माना भी बता दें। एक किताब वाले ईमान लाए, इस पर जब हमने उतारा इसको तस्दीक फरमाते हैं कबल इसके कि हम बिगाड़ देंगे कुछ मुंहों को और इन्हें फेर देंगे इनकी पीठ की तरफ, यानी लानत करे जैसे लानत के हफ्ता वाला पर, और बेशक खुदा का हुक्म होकर रहे जहन्नमी के। सुने सुनियो, मैं कुरान सुना रहा हूँ, ये बच्ची कुरान सुना रही है, तर्जमा आपके पास है। जाएं तमाम मकाते बेफिक्र के लोग अपना अपना तर्जमा खोल कर पढ़ लें, इंशाल्लाह आला हजरत ने आपके तर्जमे के आयन मुताबिक जो आयत ये लिखी है ना, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। जी बेटा, आपने ये भी बता दिया, अब ये बताएं कि दोजख वालों का क्या मामला होगा? आज कुछ लोग अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, ठीक है, तबलीग असल और याए किराम ने की जिस अंदाज में की, सबको पता है कि एक नजर डालते थे 90 लाख को मुसलमान कर देते थे। बताएं बेटा, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ करेगा कल क़यामत के दिन उसका क्या अशर होगा? इसका माना भी बता दें। इस दिन तमन्ना करेंगे जिन्होंने कुफर किया रसूल की नाफरमानी की, काश इन्हें मिट्टी में दबा कर जमीन बराबर कर दी जाए और कोई बात अल्लाह से छुपाना सकेंगे। अच्छा ये बताएं कि लोग दूसरी शादी भी करते हैं, भाई आपके मतलब की बात भी कर देता हूँ ना, तो इस वक्त हम कुरान से मदद नहीं लेते, हदीस से मदद नहीं लेते, हम अपनी अकल से मदद लेते हैं, अपने बाजुओं की ताकत से, दौलत की ताकत से, जो शरण मना है। लोग दूसरी शादी कर लेते हैं तो जो पहली बीवी को सामान दिया है क्या वो वापस ले लें? कुरान का क्या फैसला है? आप अपने अपने सवाल याद रखिए। इसका माना भी बता दें। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी बदलना चाहो तो ऐसे ढेरों माल दे चुके हो, दसवें से कुछ वापस ना लो, क्या से वापस लोगे? झूठ बांध कर खुले गुनाह से। जी बेटा, माए अपने औरतों को कितना अरसा तक दूध पिलाए? कुरान की आयत से पढ़कर सुनाए।